आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश लाल परेड ग्राउंड में युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। 21 से 30 वर्ष तक के सारे 6 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का लाभ होगा। अब युवाओं को 100 दिन रोजगार और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को 4,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीयन युवा स्वाभिमान पोर्टल 12 फरवरी से चालू कर दिया गया है। आपको रोजगार की भी व्यवस्था, फुल टाइम रोजगार की व्यवस्था के लिए भी हम कंपनियों को बुलाकर आपका उसमें भी पंजीयन कराएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो आंकड़े अभी हमको मिले हैं, अकेले 10 दिन के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश के 1,55,000 युवाओं ने इस योजना में पंजीयन किया है। इन सब युवाओं को इस पूरी योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। भोपाल शहर में अकेले 4,500 युवा और युवती इसका पंजीयन कर चुके हैं। मेरी आप सब युवाओं से प्रार्थना है, अभी भी समय बाकी है, जितने और पंजीयन हो सकते हैं आप जरूर करें। उसका साधारण सा नियम है कि आपको नगर निगम के ऑफिस में जाकर आपको जल्द से जल्द हम इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। मूल बात मैं अंत में यही कहूंगा, कमलनाथ जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश में जिन्होंने, जब वो सांसद रहे 9 बार, तो उनका क्षेत्र छिंदवाड़ा में ऐसा उनने विकास किया, इतने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए कि हजारों लाखों युवा उनके क्षेत्र में रोजगार से उनको लाभ मिला है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।